Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss the issues and recommendations of NEP 2020 on technical education. And the lecture will be in bilingual mode as usual. So let's start. First of all, NEP 2020 इतनी बात इस पॉलिसी की हो रही है हिंदुस्तान में उतनी कभी किसी पॉलिसी की नहीं हुई और आप ये भी कह सकते हैं समझ सकते हैं कि इतना ओवरहॉलिंग इसने रिकमेंड किया है कि हम अभी तक इसको अंगीकार नहीं कर पाए हैं। तो एनईपी पे हमने सबसे पहले बात की थी इंक्लूसिव एजुकेशन को लेकर, फिर मैंने आपसे हायर एजुकेशन डिस्कस किया है, मैंने आपसे एनईपी ओवरऑल डिस्कस किया है और रिसेंटली मैंने आपसे एनईपी टीचर एजुकेशन पे भी डिस्कस किया है और आज मैं टेक्निकल एजुकेशन पर बात करने जा रही हूँ आपसे कि एनईपी ने टेक्निकल एजुकेशन के लिए क्या कहा है। फिर भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स अभी रह जाते हैं जैसे एडल्ट एजुकेशन के लिए क्या कहा है, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली आई विल कवर द इश्यूज एंड रिकमेंडेशंस ऑफ एनईपी 2023 ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्निकल एजुकेशन क्या है? तकनीकी शिक्षा। तो इट प्रिपेयर्स इंडिविजुअल्स फॉर द वर्ल्ड ऑफ वर्क एंड इन्वॉल्व्स एक्विजिशन, डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ वर्क रिलेटेड स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दैट अंडरलाइज दोज स्किल्स। मतलब कि जो तकनीकी शिक्षा है वो व्यक्तियों को तैयार करती है वर्ल्ड ऑफ वर्क के लिए, यानी कि वर्क प्लेस के लिए तैयार करती है। और ये क्या क्या इसके अंदर आता है, इन्वॉल्व क्या क्या है, एक्विजिशन मतलब अधिग्रहण है, डेवलपमेंट यानी विकास है, और एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग है। किसका? वर्क रिलेटेड स्किल्स, यानी कि हमको वर्क प्लेस पर जो स्किल्स की जरूरत पड़ेगी, जिन कौशलों की हमको आवश्यकता होगी, उनका अधिग्रहण, विकास और अनुप्रयोग ये अंगीकार करता है, रखता है अपने अंदर तकनीकी शिक्षा। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज एंड साइंटिफिक principles that underlies those skills, यानी कि जो वो कौशल हैं उनके उनके बीनीथ, उनके नीचे जो वैज्ञानिक आपके सिद्धांत और ज्ञान निहित है उसकी समझ भी है टेक्निकल एजुकेशन के अंतर्गत आती है। टेक्निकल एजुकेशन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट रिफर्स टू प्रोग्राम्स रिलेटेड टू, यानी कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में, भारतीय परिदृश्य में अगर हम देखें तकनीकी शिक्षा, तो क्या कौन कौन से प्रोग्राम्स आते हैं इसके तहत? आपका आर्किटेक्चर आता है, प्लानिंग डिजाइन, इंजीनियरिंग आता है, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैनेजमेंट, फार्मेसी, होटल मैनेजमेंट एंड इतना आता है। और इसमें भी आपको डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल सब आता है, यानी यूजी, पीजी और डिप्लोमा लेवल की पढ़ाई होती है। जब आर्किटेक्चर में, प्लानिंग में, डिजाइन में, इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजी तो हम समझ ही रहे हैं कि टेक्निकल एजुकेशन है, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैनेजमेंट, बहुत दिनों तक मैं नहीं जानती थी कि फार्मेसी टेक्निकल एजुकेशन में आता है, और आपका होटल मैनेजमेंट भी टेक्निकल एजुकेशन का हिस्सा है। टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन, कई बार दोनों टर्म्स एक साथ यूज किए जाते हैं। द टर्म टेक्निकल एजुकेशन इज ऑल्सो एकम्पनीड विद द टर्म वोकेशनल एजुकेशन एंड दे टू आर यूज्ड इंटरचेंजेबली समटाइम्स, कभी कभी एक दूसरे की जगह यूज कर ले जाते हैं व्यावसायिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा। इंस्टीट्यूशंस ऑफरिंग टेक्निकल एजुकेशन लाइक द IITs, वो कह रहे हैं कि वो संस्थान जो कि तकनीकी शिक्षा देते हैं जैसे कि आपके IITs हो गए, वो क्या करते हैं, टीच द थियरी एंड साइंस बिहाइंड द ऑक्यूपेशन। वो उस व्यवसाय के पीछे का जो आपका थ्योरी है, सिद्धांत है और विज्ञान बताते हैं। जबकि वोकेशनल एजुकेशन क्या सिखाता है आपको, व्हाइल वोकेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक ITIs adopt a more hands-on approach to impart the skills needed to the job successfully। आप कह सकते हैं कि टेक्निकल एजुकेशन में हम थ्योरी और साइंस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जबकि वोकेशनल एजुकेशन में hands-on experience यानी कि जो एक्चुअल जो स्किल है उसकी ज्यादा प्रैक्टिस कराई जाती है। यूनेस्को कैसे डिफाइन करता है टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन को, वो कहता है कि ऑल फॉर्म्स एंड लेवल्स ऑफ द एजुकेशन प्रोसेस इन्वॉल्विंग इन एडिशन टू द जनरल नॉलेज, यानी कह रहे हैं जनरल नॉलेज के अलावा सभी स्तरों पर सभी प्रकार की शिक्षा, द स्टडी ऑफ टेक्नोलॉजीज, तकनीकियों की शिक्षा, रिलेटेड साइंसेज उससे मिलते जुलते जो विज्ञान है उसका अध्ययन, एंड द एक्विजिशन ऑफ प्रैक्टिकल स्किल्स, नो हाउ, एटीट्यूड्स एंड अंडरस्टैंडिंग रिलेटिंग टू ऑक्यूपेशंस इन द वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ। यानी कि बहुत सारे जो हमारे आपके आर्थिक है, आपका सामाजिक जीवन में जितने भी प्रकार के आपके ऑक्यूपेशंस होते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनका नो हाउ कैसे होते हैं, उसके प्रति एटीट्यूड, उसमें जो जो स्किल्स लगेंगी, जिन कौशलों की जरूरत पड़ेगी, उनका एक्विजिशन, उनकी साइंस, टेक्नोलॉजी, सब कुछ टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन के अंतर्गत आता है। ये यूनेस्को कन्वेंशन जो कि टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन पे हुआ, वहां से ये डेफिनेशन आ रही है।
फिर विजन ऑफ एनईपी 2020। अब ये देखते हैं कि जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसने क्या दूरदृष्टि, मतलब उसने तकनीकी शिक्षा का भविष्य क्या देखा है हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में। ये कह रहे हैं कि ये चाहते हैं कि ऐसा एजुकेशन सिस्टम हो जो कि रूटेड इन इंडियन इथॉस, जिसकी जड़ें तो हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़ती हो, दैट कॉन्ट्रीब्यूट सोसाइटी टू ट्रांसफॉर्म इंडिया, दैट इज भारत। अच्छा, ये इंडिया और भारत का बहुत मतलब तो अभी होने लगा, लेकिन देखिए इसमें भी लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, पर हम क्या चाहते हैं कि क्या हो जाए, भारत दैट इज इंडिया, है ना। तो सस्टेनेबली इनटू एन इक्विटेबल एंड वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी, वो कह रहे हैं कि जड़ें हमारी इंडियन इथॉस से जुड़ी हो, लेकिन जो वो ग्रो करे वो किस तरफ करे कि समता मूलक एक ज्ञान के समाज का निर्माण हो सके बाय प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल, और हम सभी को एक उच्च स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर सके एंड देयर बाय मेकिंग इंडिया अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। उससे क्या होगा कि हम भारतवर्ष को एक मतलब वैश्विक स्तर पर ज्ञान का सुपर पावर बना पाएंगे। The National Education Policy 2020 proposes the revision and revamping of all aspects of education. ये हम overall vision बता रहे हैं आपको NEP 2020 का, फिर specifically हम technical education पे बात करेंगे। तो इसने overall education का ये देखा है भविष्य कि उसकी जड़ें भारतीय संस्कृति से जुड़ी हों, उसका विस्तार ऐसा हो कि वैश्विक स्तर पर हम सबसे compete कर सकें, और हर स्तर पर जो शिक्षा है उसकी पूरा तरह से हम उसको बदल दें, revise कर दें, revamp कर दें, जिसमें कि क्या क्या आएगा, स्ट्रक्चर भी आएगा, संरचना भी आएगी, नियमितीकरण, रेगुलेशन भी आएगा, उसका गवर्नेंस भी आएगा, जिससे कि हम एक नई शिक्षा व्यवस्था का निर्माण कर सकें जो कि अलाइंड हो, यानी कि जो कि जिस जो मिले, जो पैरेलल चले, किसके 21st सेंचुरी के जो एस्पिरेशनल गोल्स हैं उनसे जाकर मिल जाए वो, जो हम मतलब कि एस्पिरेशनल गोल्स ऑफ 21st सेंचुरी स्टूडेंट्स एज वेल एज विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। आप सभी को पता होगा कि जो MDGs पहले रखे गए थे, मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स, और कहा गया था कि हम इनको 2015 तक अचीव कर लेंगे, पर हमने जब देखा कि हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो हमने उसको बढ़ा के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कर दिया है, जिसकी की कोशिश की गई है, मतलब ये सोचा गया है कि हम 2030 तक उसको अचीव कर पाएंगे, पर कि हम यहाँ भी लैग बिहाइंड है, हम अचीव नहीं कर पाएंगे जैसा कि लग रहा है। और ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, बहुत ये व्यापक और मतलब कोई एस्पेक्ट छोड़ा नहीं गया है SDG में, जो माना गया है कि हम ये सब हासिल कर लें विकास के लक्ष्य। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो विजन हमारा एडीपी 2020 का यही है कि हम SDGs को पा सकें और जो 21st सेंचुरी स्टूडेंट्स हैं उनको प्रिपेयर कर सकें। फिर एनईपी 2020 एंड की चेंजेस, अगर हम देखें कि मुख्य क्या चेंज एनईपी 2020 ने किया है, तो उसने क्या क्या किया है, देखिए, मूविंग टुवर्ड्स मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, को कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी हो जाएं, विद मोर HEIs अक्रॉस इंडिया दैट ऑफर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन लोकल इंडियन लैंग्वेजेस। मैं एक बार फिर से एक तरीके से आपका एनईपी 2020 रिवाइज हो जा रहा है। फिर मूविंग टुवर्ड्स अ मोर मल्टी डिसिप्लिनरी अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन की बात की गई है, मूविंग टुवर्ड्स फैकल्टी एंड इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, यानी कि स्वायत्तता मिले संस्थानों को, उससे क्या होगा कि नवाचार मिलेगा, उनको इनोवेशन करेंगे, वो बाउंडेशन से मुक्त हो सकेंगे, और हम करिकुलम पेडागॉजी असेसमेंट और स्टूडेंट सपोर्ट सबकी रिवैम्पिंग कर दें, सब बदल दें, आमूल चूल परिवर्तन कर दें, और क्या करें, रीअफर्मिंग द इंटीग्रिटी ऑफ फैकल्टी एंड इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप पोजीशंस, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ NRF, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात की है NEP 2020 ने, और वो कह रहा है कि गवर्नेंस ऑफ HEIs बाय इंडिपेंडेंट बोर्ड्स हैविंग एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। वो कह रहे हैं कि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे उच्च शिक्षा संस्थान हैं, उनका गवर्नेंस जो है वो इंडिपेंडेंट बोर्ड करे, यानी कि उसको ऑटोनॉमी ज्यादा मिल पाए। लाइट बट टाइट रेगुलेशन बाय ए सिंगल रेगुलेटर फॉर हायर एजुकेशन, कहा जा रहा है ना कि हायर एजुकेशन को HECI गवर्न करेगा। HECI क्या है, हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। तो हम लाइट कर दें लेकिन रेगुलेशन टाइट हो, और हम क्या करें कि एक्सेस, इक्विटी और इंक्लूजन को बढ़ा सकें, यानी कि पहुंच हो सब तक, सब तक शिक्षा की पहुंच हो, समानता नहीं समता के हिसाब से शिक्षा दी जाए, और हम सबको समाविष्ट करें, कोई भी एक्सक्लूड ना हो, कोई भी छूटे ना, सबके लिए शिक्षा हो। तो ये सब की चेंजेस, मतलब एकदम जो मूलभूत परिवर्तनों की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने की है वो ये हैं। अब और क्या है एनईपी 2020 के लिए, ये क्या कह रहा है कि दी अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज विल बी
आइदर ऑफ 3 or 4 year ड्यूरेशन, वो कह रहे हैं ना कि जो यूजी डिग्री दी जाएगी अब एनईपी जब लागू हो जाएगा तो वो 3 या 4 साल की होगी. कैसे चलेगा? विद मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन विद इन दिस पीरियड, जिसमें कि आप इन सालों में आप चाहें तो मतलब जरूरत पड़े तो आप कुछ बाहर भी निकल सकते हैं, मतलब कोर्स छोड़कर बाहर जा सकते हैं विद एप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशंस, और हम जहां उचित लगेगा आपको सर्टिफाई करेंगे. जैसे अगर आप 1 साल की पढ़ाई के बाद उसको छोड़ रहे हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, अ सर्टिफिकेट आफ्टर कंप्लीटिंग 1 year इन ए डिसिप्लिन और फील्ड इंक्लूडिंग वोकेशनल एंड प्रोफेशनल एरियाज. वोकेशनल प्रोफेशनल एरिया की भी पढ़ाई आप कर रहे हैं और आपने 1 साल बाद उसको छोड़ दिया तो हम आपको उसका सर्टिफिकेट दे देंगे. अगर आप 2 साल बाद छोड़ते हैं तो डिप्लोमा मिलेगा, और अगर 3 साल में आपको बैचलर डिग्री मिल जाएगी. तो 4 year वाला कैसे अलग है? The 4 year multidisciplinary bachelor's program, however, shall be the preferred option. वो कह रहे हैं कि आप 4 साल वाला करिए, उससे क्या होगा कि आपको एडवांस डिग्री मिलेगी उसमें. एन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC, अब आप सभी लोग जान रहे हैं, जो भी नया एडमिशन इस साल हुआ है UG, PG, किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में, सबने ABC में अपने आप को इनरोल किया है, रजिस्टर किया है. शैल बी एस्टैब्लिश, वो कह रहे हैं कि एस्टैब्लिश किया जाएगा, विच वुड डिजिटली स्टोर द एकेडमिक क्रेडिट्स अर्न फ्रॉम वेरियस रिकॉग्नाइज्ड AGIs. वो कह रहे हैं कि जितने भी हमारे उच्च शिक्षा संस्थान हैं जो रिकॉग्नाइज्ड हैं, जिनको की मान्यता प्राप्त है, वो जो भी पढ़ाई कराएंगे उसको क्रेडिट देंगे बच्चों को. अब उनको नंबर की जगह क्रेडिट में दिया जाएगा और उनका क्रेडिट जो है वो डिजिटली स्टोर रहेगा ABC में. ABC क्या है? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है. उससे क्या होगा कि हमको पता चल पाएगा कि स्टूडेंट के पास कितना क्रेडिट है. और वो कह रहे हैं कि मॉडल पब्लिक यूनिवर्सिटी बना लीजिए, जहां पे आप होलिस्टिक और मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन की पढ़ाई कराइए एट पार. किसके एट पार हो वो, किसके समकक्ष हो? IITs, IIM जैसा बढ़िया आप यूनिवर्सिटी बनाइए. और उनको उन्होंने कहा है मेरू. मेरू का फुल फॉर्म क्या है? मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज. ऐसी आप मेरूज बना लीजिए जो कि एट पार IIT, IIM के हों. और वो कह रहे हैं नो रिजिड सेपरेशंस बिटवीन आर्ट्स एंड साइंसेज. वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आर्ट का बच्चा जो है, आर्ट स्ट्रीम का स्टूडेंट जो है, जो साइंस का है, वो एकदम एक दूसरे से नितांत अलग हो, ऐसा मत करिए. वो कह रहे हैं कि करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर के बीच का सेपरेशन हटा लीजिए, वोकेशनल एकेडमिक स्ट्रीम का सेपरेशन हटा लीजिए, मतलब इन टोटैलिटी में पढ़ाइए, होलिस्टिक. यही तो है ना, हमको कोई सेपरेशन नहीं रखना है कि आर्ट स्ट्रीम का बच्चा, साइंस स्ट्रीम का बच्चा, करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर, सब कुल मिला के आपको क्या कर रहा है? शिक्षित ही तो कर रहा है ना. तो ये मैं एक बैकग्राउंड बना रही हूँ टेक्निकल एजुकेशन तक पहुंचने के लिए, कि सबसे पहले टेक्निकल एजुकेशन क्या है हमने जान लिया, फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने विजन क्या देखा है, देखा क्या है कि भविष्य में हम किस तरीके की शिक्षा देने जाएंगे आपको, और फिर उसके बाद उन्होंने की चेंजेस क्या बताया. और ये जो है वो बहुत पॉपुलर की चेंजेस है, अब तो लोग मतलब जानने लगे हैं मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट क्या है, सर्टिफिकेट डिप्लोमा और बैचलर डिग्री आपको मिलेगी. तो बहुत स्टूडेंट सेंटर्ड और स्टूडेंट ऑटोनॉमी की बात की गई. देखिए फैकल्टी और इंस्टीट्यूशन ऑटोनॉमी की बात तो पहले भी कमीशन और कमिटीज ने की है, पर स्टूडेंट ऑटोनॉमी की बात करने वाली ये पहली नीति है. अब हम आए हैं टेक्निकल एजुकेशन पे, कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने प्राविधिक शिक्षा पे क्या कहा है. वो कह रहे हैं ब्रॉडनिंग द स्कोप ऑफ TE बाय ब्रिंगिंग इन डिग्री एंड डिप्लोमा प्रोग्राम्स. वो कह रहे हैं कि आप जो है टेक्निकल एजुकेशन का स्कोप बढ़ा दीजिए, आप डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम को साथ भी ले आइए इसमें. ब्रिंगिंग क्लोजर कोलैबोरेशंस बिटवीन इंडस्ट्री एंड HEIs टू ड्राइव इनोवेशन एंड रिसर्च. कह रहे हैं कि जो हमारे मतलब कि तकनीकी शिक्षा के जो संस्थान हैं और जो इंडस्ट्री है, उन सब दोनों में कोलैबोरेशन हो, उनमें आपस में सहयोग हो, जिससे कि नवाचार और शोध को बढ़ोतरी मिल सके. यूजिंग द टेक्नोलॉजी टू ओवरकम द सेपरेशन बिटवीन टेक्निकल एजुकेशन एंड अदर डिसिप्लिन. कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ा लीजिए, जिससे कि वो जो अंतर आता है प्राविधिक शिक्षा में और अन्य अनुशासनों की शिक्षा में, उस अंतर को कम किया जा सके. प्लानिंग टू ऑफर टेक्निकल एजुकेशन इन मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोग्राम्स. ये कोशिश की जा रही है, ये योजना बनाई जा रही है कि मल्टी डिसिप्लिनरी जो शिक्षा के संस्थान है उसमें तकनीकी शिक्षा की पढ़ाई भी हो. प्रिपेयरिंग प्रोफेशनल्स इन एरियाज ऑफ ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस. जो ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस के प्रोफेशनल्स हैं, जैसे कि आपका डॉक्टरी हो गया, जैसे ना ये सब प्रोफेशंस हैं, उनके लिए आपको तैयार किया जाए. करिकुलम शैल बी रिन्यूड. करिकुलम को बदल दिया जाए, नवीनीकरण कर दिया जाए उसका. इन्फ्यूज्ड विद सेट ऑफ केयरफुली सिलेक्टेड मटेरियल फ्रॉम अदर डिसिप्लिन्स. हम कह रहे हैं ना मल्टी डिसिप्लिनरी, यानी कि अदर डिसिप्लिन के मटेरियल को भी केयरफुली सिलेक्ट करके उसमें जोड़ा जाए, थ्योरी और प्रैक्टिस को आपस में जोड़ा जाए, इंडस्ट्री से सहयोग किया जाए और बहुत सारी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज दी जाए, ऐसा टेक्निकल एजुकेशन में होना चाहिए. ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने कहा है.
और क्या कहा है कि इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम शैल बी रिवाइज्ड टू प्रिपेयर द प्रोफेशनल्स हु आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर बोथ करंट एंड फ्यूचर प्रैक्टिसेस। वो कह रहे हैं कि इस तरीके से आप ये प्रोग्राम पढ़ाइए, जिस इतना रिवाइज कर दीजिए उसको कि जो प्रोफेशनल आप तैयार कर रहे हैं वो आज के लिए भी तैयार हो, वो भविष्य के लिए भी तैयार हो, एंड आर एबल टू एक्सप्लॉयट इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाइल बीइंग रिस्पॉन्सिव टू चेंजिंग सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट। और इसमें आप देख रहे हैं कि एनवायरमेंटल कंसर्न पे कितनी बात हो रही है, ग्रीन कार्बन, ग्रीन ऑडिट, सारी बातें हो रही है। तो हमको ये भी ध्यान में रखना है कि सामाजिक, आर्थिक और जो वातावरणीय परिप्रेक्ष्य है, जो कंटेक्स्ट है, उसको ध्यान में रखते हुए हमको टेक्नोलॉजी का यूसेज करना है। इंडिया मस्ट ऑल्सो टेक द लीड इन प्रिपेयरिंग प्रोफेशनल्स इन कटिंग एज एरियाज दैट आर फास्ट गेनिंग प्रोमिनेंस। वो कह रहे हैं कि आजकल जो एकदम तेजी से बढ़ोतरी हो रही है जिस विज्ञान की, जैसे कि AI हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D मशीनिंग हो गया, बिग डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, उनमें इंडिया को लीड लेना चाहिए प्रोफेशनल्स तैयार करने के लिए। इसके अलावा हेल्थ, एनवायरमेंट, सस्टेनेबल लिविंग को भी हमको ध्यान में देखना है और हमको UG प्रोग्राम में इन सबको इस तरह से जोड़ना है ताकि जो यूथ है, जो हमारा युवा वर्ग है, जो ग्रेजुएट होकर निकल रहा है, उसके रोजगार के अवसर बढ़ सकें। और रिफॉर्म्स इन द लाइट ऑफ NEP 2020, इन्होंने कौन कौन से सुधार हमको बताए हैं। ये कह रहे हैं कि हार्ड बाउंड्रीज, जैसे PCM क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए जो हम लगाते थे कि इंजीनियरिंग वही बच्चा कर पाएगा जो PCM ग्रुप का हो, वो कह रहे हैं कि अब ऐसा जरूरी नहीं है, हार्ड बाउंड्री हटा ली गई है। फॉर इम्पोज्ड फॉर एंट्री इन टू ऑल ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग एजुकेशन सिंस लॉन्ग टाइम, हमेशा से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि अगर आपको डॉक्टरी का एग्जामिनेशन देना है एंट्रेंस, तो आप ZBC ग्रुप के रहिए, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, और अगर आपको इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है तो PCM ले लीजिए। तो वो कह रहे हैं कि अब हम इसको उतना सीरियसली नहीं लेंगे। द काउंसिल वॉज इन रिसीट ऑफ मेनी रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम इंडस्ट्री एज वेल एज स्टूडेंट कम्युनिटी टू गिव एन ऑप्शन टू परस्यू टेक्निकल कोर्सेज सच एज एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एटसेट्रा टू स्टूडेंट्स हु डिड नॉट हैव प्रायर इलेक्टिव्स ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट +2 लेवल बट had studies relevant portions of the same at +2 level to a certain desired extent। ये कह रहे हैं कि इनको बहुत सारा ऐसा, मतलब आप कह सकते हैं कि एप्लीकेशन इन तक पहुंची है, बहुत इन पर अपील की गई है इनसे, इंडस्ट्री के लोगों ने भी की है, पेरेंट्स, गार्जियंस ने भी की है, स्टूडेंट कम्युनिटी ने भी की है कि जो टेक्निकल कोर्सेज उनको भी परस्यू करने दिया जाए, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, IT हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, जिन बच्चों ने +2 लेवल पे अगर मैथ्स और फिजिक्स को ऑप्ट नहीं किया है उनको भी करने दिया जाए। मतलब उन्होंने मैथ्स फिजिक्स नहीं लिया है, कुछ उसके जैसा रेलेवेंट पोर्शन अगर उन्होंने पढ़ रखा है +2 लेवल पे, तो वो कह रहे हैं कि आप हमको करने दीजिए, ये हार्ड बाउंड्री हटा लीजिए कि सिर्फ PCM किया हुआ स्टूडेंट ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई या जो समतुल्य है उसके प्रोफेशन उनकी पढ़ाई कर सकता है। तो ये एक बड़ा, आप कह सकते हैं, आमूलचूल क्रांतिकारी परिवर्तन है। और क्या कहा गया कि consequently CBSE in its curriculum for science stream has given the subjects of biotechnology, computer science, engineering, graphics, etc. यानी कि CBSE ने भी अब साइंस स्ट्रीम के साथ करिकुलम में अपने बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस को जगह दे दी है। NIOS ने भी बहुत सारे इस तरीके के सब विषयों को इसमें मान्यता दी है, बढ़ोतरी किया है। और क्या है, taking a leaf out of NEP 2020, the council has been given flexibility to the universities to extend their support to such willing students to pursue a career in engineering and technology who were hitherto deprived of the same owing to barriers of subjects without affecting the attainment of learning outcomes. So, अच्छा ठीक है, ये कह रहे हैं कि काउंसिल ने कहा है कि आप फ्लेक्सिबल हो जाइए, वो बच्चे जिन्होंने इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में अपना कोर्स परस्यू करना चाहते हैं, करियर परस्यू करना चाहते हैं, बट उन्होंने उस तरीके की मतलब प्री रिक्विजिट उनके पास नहीं है, तो उनको एक ब्रिज कोर्स चला दीजिए। मतलब वो जो ब्रिज, जो गैप आ रहा है, जो लर्निंग उनकी होनी चाहिए थी और उस कोर्स में एंट्री के लिए उस लर्निंग से वो कम है, तो एक ब्रिज कोर्स से पाट दीजिए उस अंतर को, एक पुल बना दीजिए, तो हम बहुत सारे और स्टूडेंट्स भी इंजीनियरिंग कर पाएंगे जिन्होंने +2 लेवल पे रिक्वायर्ड पढ़ाई नहीं की है वो भी। उसके अलावा कह रहा है AICTE has been offering lateral entry, मतलब हम साइड से भी एंट्री दे देंगे स्टूडेंट्स को डिप्लोमा में एज वेल एज UG में, जो कि a student wishing to pursue a diploma course is normally a class 10 pass out and at such in the pursuance of diploma remains devoid of basic science courses hitherto available in the +2 level। वही बात है कि हम डिप्लोमा करने चाहते हैं लेकिन +2 लेवल पे हमने वो बेसिक साइंस कोर्स नहीं किया है, तो आपको करने की अनुमति अब दी जाएगी, लेटरल एंट्री आपको दे दी जाएगी। कंसिक्वेंटली सच डिप्लोमा पास आउट्स आर ऑफर्ड लेटरल एंट्री इनटू UG कोर्सेज। कह रहे हैं कि हमने क्या किया कि हम 10th पास थे और हमने डिप्लोमा कर लिया, तो +2 लेवल वाली पढ़ाई नहीं की है, लेकिन हम आपको UG में लेटरल एंट्री दे देंगे। तो UG कौन बच्चे कर रहे हैं, जो 10 +2 करके आए हैं,
तो इस तरह से हम लेटरल एंट्री कर देंगे, डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट के हम एट पार हो सकते हैं। तो ये सब रिफॉर्म्स है। और क्या कह रहा है कि टू फैसिलिटेट एंट्री इनटू यूजी प्रोग्राम इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2021-2022 द काउंसिल हैज वही बात इसमें भी कही गई है कि ब्रिज कोर्सेज आप बना लीजिए। आपने मैथमेटिक्स की, फिजिक्स की, इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं की है, आप डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन आप यूजी में इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, तो ब्रिज कोर्स हम आपको देंगे और आपके उस गैप को पार्ट देंगे, ब्रिज कर देंगे, जो अगर आपने प्रीरिक्विजिट में कहीं कुछ लैकिंग है तो भी। तो ये सब क्या है? स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है, विद्यार्थी की दृष्टिकोण से सोचा जा रहा है कि अगर वो उसने नहीं लिया 10+2 लेवल का, आप उसको जिंदगी भर वंचित नहीं कर सकते इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पढ़ने से अगर वो चाहे तो। तो ये सब सुधार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने संस्तुत किए हैं कि आप इसको करिए। और मल्टीपल एंट्री की बात की गई है कि डिप्लोमा और अंडर ग्रेजुएट में आप उनको लेटरल एंट्री दे दीजिए, मल्टीपल एंट्री दे दीजिए, मल्टीपल एग्जिट भी होने दीजिए, अगर एक साल में छोड़ते हैं तो सर्टिफिकेट दे दीजिए, 2 साल में डिप्लोमा दे दीजिए और 3 साल में आप डिग्री दे दीजिए, ABC रखिए, ताकि जो भी उनकी पढ़ाई है, जितना भी क्रेडिट उन्होंने अर्न किया है, वो उनका डिजिटली स्टोर हो, वो बर्बाद ना हो, और बाद में अगर वो कोर्स पूरा करना चाहें तो उनके वो क्रेडिट उनके काम आ जाएं। और क्या कह रहा है कि अवेलेबिलिटी ऑफ हायर, मतलब कि जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनमें भी आप हायर टेक्निकल एजुकेशन की पढ़ाई कराइए, और वोकेशनल कोर्सेज को कन्वेंशनल टेक्निकल कोर्सेज से जोड़ दीजिए। और क्या कह रहा है कि टेक्निकल एजुकेशन इज पार्ट ऑफ जनरल हायर एजुकेशन, तो HECI जो बनेगी वो टेक्निकल एजुकेशन भी देखेगी। सिर्फ इन्होंने कहा है कि कौन नहीं देखेगा, HECI से अलग रहेगा एक MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और एक BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इन्होंने HECI के 4 वर्टिकल बताए हैं, कौन कौन से। जो पहला वर्टिकल है वो है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, तो ये क्या देखेगा, रेगुलेशन देखेगा, रेगुलेट करेगा। दूसरा वर्टिकल है नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल, ये क्या करेगा, एक्रीडिटेशन करेगा। तीसरा है हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल, देखिए इसमें सी कैपिटल होना चाहिए था, ये क्या करेगा, ग्रांट्स देगा, जो कि UGC करता था। और फोर्थ वर्टिकल क्या है, जनरल एजुकेशन काउंसिल, ये क्या करेगा, लर्निंग आउटकम बनाएगा कोर्सेज के लिए, क्या बच्चे सीख के निकले ये तय किया जाएगा। तो 4 वर्टिकल HECI के हो गए। तो टेक्निकल एजुकेशन चूंकि जनरल एजुकेशन का ही हिस्सा है तो ये भी वही फॉलो करेगा। कौन कौन से हैं 4, पहला आपका है हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल रेगुलेशन देखने के लिए, दूसरा एक्रीडिटेशन काउंसिल एक्रीडिटेशन के लिए, तीसरा ग्रांट्स काउंसिल ग्रांट्स देने के लिए, और चौथा जनरल एजुकेशन काउंसिल जो कि लर्निंग आउटकम्स डिफाइन करेंगे। इसी में कहा जा रहा है कि एक आप NHEQF बना लीजिए, क्या बना लीजिए, नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, और ये भी GEC ही इसको बनाएगा। इसके अलावा क्या कह रहा है कि इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशन में कोलैबोरेशन हो जाए, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हो जाए, फैकल्टी रिसर्च और इंडस्ट्री का जिसको एक्सपीरियंस हो उसको आप फैकल्टी बनाइए, और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को बोर्ड्स ऑफ स्टडीज में शामिल कर लीजिए। तो ये सारी बातें, जैसे हम इंडस्ट्री के जो जो रिसोर्सेज उनको यूज कर सकते हैं, अगर हमारा एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है इंडस्ट्री में है तो आप वहाँ भेज कर बच्चों को सिखा लीजिए, पढ़ा लीजिए, प्रैक्टिकल करा लीजिए, वर्चुअल लेबोरेटरीज का कंसेप्ट। तो ये सारे जो फ्यूचर चेंजेस हैं टेक्निकल एजुकेशन में, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने संस्तुत किए हैं। तो हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि अगर हम इस पॉलिसी को ट्रू स्पिरिट में अपना पाए तो ये हमारे हायर एजुकेशन को बिल्कुल बदल के रख देगी, उसी तरह से टेक्निकल एजुकेशन को भी, और हम ग्लोबल एजुकेशनल लीडरशिप पा सकते हैं अगर हम इस तरीके का कुछ करने में सक्षम हो सकें तो। ठीक है, तो इन दिस वे मैंने थोड़ा सा इसको डिटेल आउट आपसे डिस्कस कर दिया कि शुरुआत से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विजन कि रूटेड इन इंडियन इथॉस, और जाए कहाँ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पालें, एस्पिरेशनल गोल्स हो जाएं 21st सेंचुरी की, ये सब हम अचीव कर पाएं। फिर उसके बाद हमने आपसे जनरल की चेंजेस डिस्कस किए कि यूजी लेवल पे मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, और उसके बाद जब आपका टेक्निकल एजुकेशन आता है तो मेन यही है कि स्टूडेंट के हिसाब से सोचते हुए हम उनको प्री रिक्विजिट नहीं होने पे भी रोकेंगे नहीं, हार्ड बाउंड्री नहीं लगाएंगे कि ये आपके लिए जरूरी जरूरी है कि प्लस टू पे आपने PCM लिया हो तभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकते हैं या टेक्निकल एजुकेशन की, तो आपको ब्रिज कोर्सेज से उसको हम अंतर कम करने की कोशिश करेंगे और आपको करने देंगे। तो ये सब प्रपोजल में है, ये अभी तक आया नहीं है, अभी तक पूरी तरह इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, बट स्टिल इट इज अ वेरी रिवोल्यूशनरी कंसेप्ट विच कैन चेंज द टोटल लैंडस्केप ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन इंडिया। सो आई हैव कवर्ड दिस वेरी टॉपिक टू, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। आई हैव डन फ्रॉम माई साइड।